नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आवृत्ति वितरण के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आवृत्ति वितरण को आवृत्ति सारणीकरण भी कहते हैं। सांख्यिकी के छात्रों के लिए ये एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय विधि है, जो समाज शास्त्र के समाज विज्ञान के विषय है, जैसे समाज विज्ञान है, समाज शास्त्र है, समाज कार्य है, मनोविज्ञान है। ऐसे सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जहाँ संशोधन होता है और संशोधन से प्राप्त प्रदत्त, जिसे हम कहते हैं डेटा, उन संख्याओं के आधार पर, उस डेटा के आधार पर जब संशोधन के निष्कर्ष प्राप्त करने होते हैं, तो सांख्यिकीय विधियों का इस्तेमाल बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य हो जाता है। जब प्रदत्त हमारे पास उपलब्ध होता है बड़ी संख्या में, तो उसे आवृत्ति वितरण से या आवृत्ति सारणीकरण से हम टेबल में कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, जिससे उन आंकड़ों से तात्पर्य निकालना, उन्हें अधिक अर्थपूर्ण बनाना आसान हो जाता है। अब आवृत्ति वितरण किसी भी संशोधन से या मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा जब बड़ी मात्रा में प्रदत्त प्राप्त होता है, तब उसे अधिक अर्थपूर्ण एवं सरल बनाने के लिए ही आवृत्ति वितरण किया जाता है। उपलब्ध प्रदत्त के आधार पर विशेष गुण एवं समान अंतर के वर्ग बनाकर उन वर्गों में कोई भी प्राप्तांक कितनी बार आया है, इसकी गणना करना, अर्थात आवृत्ति का मापन करना, यही आवृत्ति वितरण है। अब मान के चलिए 10वीं के कक्षा के कुल 163 छात्रों के परीक्षा के परिणाम जो है वो घोषित हुए। अब परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद हमारे पास सभी के रिजल्ट, सभी के अंक, मतलब बहुत ज्यादा आंकड़े, 163 छात्रों के 163 आंकड़े हमारे पास प्रदत्त के रूप में तैयार हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। अब ये कुछ आंकड़े आपके सामने हैं, इसी से आपको ज्ञात होगा कि इन आंकड़ों से कई अधिक आंकड़े, मतलब 163 छात्रों के आंकड़े जब हमारे पास कागज पर उपलब्ध होते हैं, तो उनसे कुछ तात्पर्य निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि उन 163 आंकड़ों को देखकर अगर आपको बताना पड़े कि इन छात्रों में से उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में कितने छात्रों को गुण प्राप्त हुए हैं, तो ये बताना, ढूंढना बहुत ही जटिल कार्य है, आप समझ सकते हैं। तो जिस प्रकार से आंकड़े जो है अव्यवस्थित रूप से हमारे पास कागज पर होते हैं और जिन पर कुछ भी तात्पर्य निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, उसी कार्य को सरल बनाने के लिए आवृत्ति वितरण एक बहुत ही उपयोगी पद्धति सिद्ध हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि आवृत्ति वितरण जो है वो कैसे करते हैं। आवृत्ति वितरण होने के बाद ये जो बहुत अव्यवस्थित रूप से आंकड़े हमारे पास बहुत सारे थे, वो इस प्रकार से वर्गांतर और आवृत्ति, इन दो कॉलम में टेबल में जो है वो सारणीकरण उनका किया जाता है। अब जिससे आप समझ सकते हैं कि ये इनको देखना और समझना और उसको कुछ अर्थ लगाना कितना सरल और आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर किसी एक प्रदत्त का सारणीकरण किया है, तो अगर आपको ढूंढना है कि कितने बच्चों को फर्स्ट क्लास से कम, 60% से कम अंक है, तो यहाँ दर्शाया गया है, देखिए पहले टेबल में 31 से 40 इतने आंकड़े कुल कितने छात्रों को है, तो 32, 32 छात्रों को है। 41 से 50 के बीच में आंकड़ों, नंबर्स के बीच में, मतलब मार्क्स के बीच में जिनके मार्क्स हैं, ऐसे कुल 40 छात्र हैं। 51 से 60 तक कुल 29 छात्र है। अब अगर आपको ये बताना है कि फर्स्ट क्लास से कम, मतलब सेकंड क्लास और उससे भी नीचे कितने छात्र है कुल 163 में से, तो ये जो पहले तीन वर्गांतर की जो आवृत्ति है, इनका आप जोड़ बना लीजिए, 29 अधिक 40 अधिक 32, तो इनका जोड़ जो आएगा वो आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि 60% से कम अंक कितने छात्रों को है। तो देखिए छात्रों, इस प्रकार से वर्गांतर और आवृत्ति में हमारा काम, जब सारणीकरण होता है, तो हमारा काम कितना सरल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि इस प्रकार से आवृत्ति सारणीकरण बहुत बड़े प्रदत्त का हम कैसे कर सकते हैं। तैयार है? अगर जरूरत हो तो आप कागज पेन लेकर जो भी चीजें आपको महत्वपूर्ण लगती है उनको शॉर्ट में जरूर नोट कीजिए,
अगर उन्हें आपको दोबारा देखना है तो आप वीडियो दोबारा प्ले भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ अगर एक कुछ नोट बनानी है तो ठीक रहेगा कि आप इस वीडियो को अभी पॉज कर लें, और अगर अभी आपके पास पेन और कागज नहीं है तो उसे लेकर आप आगे का वीडियो देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगर छात्र आप कागज और पेन लेकर बैठे हैं तो आगे क्रम में किस प्रकार से आवृत्ति सारणीकरण बना करना है उसे हम अब आगे एक एक चरण से देखते जाएं। तो सबसे पहला आता है आवृत्ति वितरण के क्रम में, पहला चरण आता है विस्तार कक्षा को निश्चित करना। अब विस्तार कक्षा को निश्चित करने के लिए जो है उच्चतम प्राप्तांक और निम्नतम प्राप्तांक कौन सा है, इसकी सबसे पहले हमें खोज करनी पड़ेगी। अब 163 बच्चों के प्रदत्त को लेकर आवृत्ति सारणीकरण समझने से अच्छा है कि हमने यहाँ पर एक छोटा प्रदत्त लिया है, कम आंकड़े हैं, जैसे कि n, जिसे हम कहते हैं कि कुल प्राप्तांक कितने हैं, जिसे नंबर अर्थात कैपिटल N से दर्शाया जाता है। तो यहाँ जो आंकड़े हम आपके पास लिखे हुए आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये कुल 26 आंकड़े हैं, तो हमारा N अर्थात कुल प्राप्तांक हमने लिखा है 26। तो इस छोटे प्रदत्त के आधार पर हम समझेंगे कि आवृत्ति सारणीकरण कैसे होता है। अब ये जो कुल हमारे पास आंकड़े हैं, 26 आंकड़े हैं, जिन्हें हम कहते हैं सांख्यिकी की भाषा में प्राप्तांक। अब आपको ढूंढना है, आप खोजने की कोशिश कीजिए कि इसमें से उच्चतम प्राप्तांक कौन सा है और निम्नतम प्राप्तांक कौन सा है। इसके लिए आपको सभी प्राप्तांकों को एक बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे, 2 है, 32 है, 3 है, इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि 33 ये जो प्राप्तांक है ये इसमें उच्चतम प्राप्तांक है, और 2 ये जो प्राप्तांक है, ये जो संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या है। तो इस हिसाब से हमारा उच्चतम प्राप्तांक हो जाता है 33 अर्थात 33, और निम्नतम प्राप्तांक जो कि हमने खोज निकाला है वो हो जाता है 2। उच्चतम प्राप्तांक हमारा 33 है, निम्नतम प्राप्तांक हमारा 2 है। अब विस्तार कक्षा निश्चित करने के लिए हमें उच्चतम प्राप्तांक से निम्नतम प्राप्तांक को घटाना है। 33 से हम 2 को अगर उसमें से कम कर देंगे तो विस्तार कक्षा निश्चित होती है हमारी 31। क्षमा कीजिएगा। अब विस्तार कक्षा हमारी निश्चित हो गई, अब हम दूसरे चरण की ओर बढ़ेंगे, वो है हम उसको मान के चलेंगे कि 6। ये देखिए हमारी वर्गांतर संख्या हमने मान लिया है कि हम 6 वर्गांतर बनाएंगे, तो फिर वर्गांतर की लंबाई हमको निश्चित करनी है। वर्गांतर की लंबाई को निश्चित करने के लिए जो भी हमारी विस्तार कक्षा है वो कितनी है, हमने पहले स्लाइड में देखा हमारी विस्तार कक्षा है 31, उसे हमने भाग देना है कुल अपेक्षित वर्गांतर की संख्या जो कि हमने निश्चित की है अभी 6। तो 31/6, 31 को अगर हम 6 से भाग देते हैं तो पूर्णांक में जवाब आता है 5। तात्पर्य ये कि हमारे वर्गांतर की लंबाई होगी 5, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि 5 का वर्गांतर लेना है। मतलब वर्गांतर में कितनी संख्याएं समाहित होनी चाहिए, तो 5 संख्याएं उसमें आनी चाहिए। इसको हम थोड़ा विस्तार से आगे देखेंगे, अभी के लिए हम मान चलते हैं कि हमारे वर्गांतर की लंबाई जो है उसे हमने 5 निश्चित कर दिया है। ठीक है, और सबसे पहला जो वर्गांतर हमने बनाया है जो कि है 0 से 4, तो इसमें हमारा निम्नतम प्राप्तांक भी आ रहा है। तो 0 से 4 से लेकर 30 से 34 तक के वर्गांतर हमने बना लिए हैं। अब इसी समय आपको एक नियम बताना बहुत आवश्यक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। आमतौर पर हम मानते हैं कि 0 से 5 का अंतर अगर मुझे लेना है या 5 से आगे मुझे 5 का अंतर लेना है तो हम आमतौर पर मानते हैं कि 0 से 5 ये 5 का अंतर हो गया, 5 से 10 ये 10 का अंतर हो गया, 10 से 14 ये 10 से 15 ये 5 का अंतर हो गया। तो यह गलती जो है वो आप वर्गांतर बनाते समय कतई आपको नहीं करनी है। वर्गांतर बनाते समय हमें वर्गांतर बनाने आते ही नहीं है, ऐसा मानकर हम जिस तरह से बचपन में हाथों की उंगलियों पर संख्याएं गिनते थे जोड़ करने के लिए या संख्या को घटाने के लिए, उसी प्रकार से हाथों की उंगलियों पर आप 5 संख्याएं गिनेंगे। जैसे मैं 0 से अगर शुरुआत करती हूँ, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, तो 4 ये जो संख्या है वही उंगलियों पर गिनते समय मेरी 5वीं संख्या हो गई।
अगर मैं आमतौर पर उसे मुंह जबानी करने की कोशिश कर रही हूं तो मैं शून्य से 5 लिख दूंगी, लेकिन गिनकर मुझे ध्यान आया कि वो मेरी गलती हो जाती, शून्य से 4 का वर्गांतर आना चाहिए। अब 4 पर एक वर्गांतर खत्म हुआ, दूसरा 5 पे शुरू हो रहा है, तो 5, 6, 7, 8, 9 अगर आप उंगलियों पर गिनेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि 5 से 9 का वर्गांतर बनेगा, 5 से 10 का नहीं बनेगा। यह जो नियम है या ये जो तरीका है वर्गांतर बनाने का, आप इसे बहुत ही रिलीजियसली निष्ठा के साथ श्रद्धा के साथ फॉलो करेंगे ताकि वर्गांतर बनाने जैसे सरल विधि में आपसे कोई भी छोटी सी भी गलती ना हो। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो हमारे वर्गांतर है ये बन गए हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो वर्गांतर है इसमें एक एक प्राप्तांक को हमको चिन्हांकित किस तरह से करना है। अब वर्गांतर जो बने हुए हैं वो टेबल के पहले कॉलम में आपके पास लिखे रहेंगे। अब इनके चिन्ह हमें देने हैं तो हम जहां आप सारणीकरण कर रहे हैं वहीं पे पूरा जो है आपका डेटा जो है जितने भी नंबर है प्राप्तांक वो भी सारे आप लिख कर रखेंगे। वर्गांतर एक कॉलम में आपने लिख लिए हैं, उसके आगे जो है आपका दूसरा कॉलम बनेगा जो जिसमें आपको चिन्ह लगाने हैं प्राप्तांक के, तो वहां पे अभी हम इंग्लिश में उसे कहते हैं टैली मार्किंग करना, मतलब चिन्ह देना, तो वो काम जो है वो हम दूसरे कॉलम में करेंगे। अब इसको करना कैसे है, चिन्ह लगाते समय हम हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हम क्रम से संख्याओं को देखकर, प्राप्तांक जिस क्रम से हमारे पास लिखे हुए हैं उसी संख्या उसी क्रम में हम उनके चिन्ह देते जाएंगे, वो संख्या कौन से वो प्राप्तांक कौन से वर्गांतर में आ रहा है उसको देखकर। दूसरा हम ध्यान में रखेंगे कि हर प्राप्तांक को अगर हमने चिन्ह लगा लिया इस कॉलम में दूसरे कॉलम में तो हम उस पर एक कांट लगाएंगे, एक निशान बनाएंगे कि इसका सारणीकरण हो चुका है, ताकि हम किसी प्राप्तांक को दोबारा सारणीकरण में चिन्हांकित ना करें और कोई प्राप्तांक सारणीकरण में चिन्हांकित करने से छूट ना जाए। इसलिए यहां भी इस नियम को हम मानकर चलेंगे, एक इस आदत का विषय है, अगर आप इसी प्रकार से इसको करेंगे आपको आदत हो जाएगी और गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। अब हम चिन्हांकित करने की ओर जा रहे हैं, सभी छात्र ध्यान देंगे। सबसे पहली संख्या हमारी है 2। अब ये 2 जो संख्या है पहले मुझे ढूंढना है कि ये कौन से वर्गांतर में आती है। जैसे कि पहला वर्गांतर है 0 से 4। अब हमने सारणीकरण वर्गांतर बनाते समय लिखा था कि 0 से 4 में आती है, 0 भी आता है, 1 संख्या आती है, 2 भी संख्या आती है, 3 संख्या आती है और 4 संख्या आती है। तो ये पहला जो प्राप्तांक है 2 ये हमें ज्ञात है कि ये 0 से 4 के वर्गांतर में बैठेगा। तो सबसे पहले इसे चिन्हांकित करने के लिए उसके आगे के कॉलम में 0 से 4 के वर्गांतर के आगे अगले कॉलम में मुझे एक सीधी लाइन खींचनी है। सीधी लाइन खींचने से पहले क्योंकि मैं 2 को चिन्हांकित कर रही हूं मुझे 2 पर लगाना है निशान। देखिए यहां मैंने निशान लगा दिया है और यहां पर जो है मैं उसे खड़ी लाइन से खड़ी रेखा से दर्शा रही हूं कि यहां मैंने इसका चिन्ह दे दिया है। अब दूसरी संख्या की ओर जाएंगे, दूसरी संख्या है 32। इसके लिए मुझे खोज करनी है कि वर्गांतर कौन सा है, तो 32 ये जो संख्या है ये 30 से 34 इस वर्गांतर में आएगी, क्योंकि 30 से 34 में 30, 31, 32, 33 और 34 ऐसी 5 संख्याएं हैं। तो नियम के अनुसार मैं पहले 32 पर जो है वो मैं लगाऊंगी मार्क लगाऊंगी निशान लगाऊंगी और फिर मैं जो है 30 से 34 के कॉलम में रेखा से उसे चिन्हांकित करूंगी, एक रेखा खींचकर मैंने उसे चिन्हांकित किया। अब उसी प्रकार से अगली संख्या है 3, तो 3 भी आएगा, 3 संख्या जो है वो 0 से 4 के बीच में आएगी, तो सबसे पहले मैंने इसको एक मार्क लगा दिया 3 के ऊपर और 0 से 4 के वर्गांतर में मैंने उसके लिए एक लाइन खींच दी। उसी प्रकार से अगले प्राप्तांक की ओर बढ़ते हैं जो है 18। अब 18 के लिए जो है मुझे वर्गांतर निश्चित करना है, 18 आएगा 15 से 19 के बीच में, 15, 16, 17, 18, 19, तो 18 पर मैंने एक निशान लगा दिया और 15 से 19 के वर्गांतर में एक चिन्ह से उसे चिन्हांकित कर दिया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, थोड़ी अगर आप सरल है विधि आप समझ पा रहे हैं तो थोड़े गति से हम आगे बढ़ते हैं। 21 प्राप्तांक को मैंने मार्क किया और 21 को मैंने 20 से 24 के बीच में 21 आता है तो वहां मैंने उसे चिन्हांकित किया। फिर है 29, 29 जो है वो 25 से 29 के वर्गांतर में हमें दिखाई दे रही है संख्या, तो हमने उसे भी यहाँ चिन्हांकित कर लिया।
फिर है 13। 13 को मैंने चिन्हांकित करना है 10 से 14 के वर्गांतर में, ये देखिए चिन्हांकित हो गई। फिर है 20, 20 आ जाएगा 20 से 24 के वर्गांतर में, देखिए यहाँ दूसरी लाइन खड़ी हो गई। फिर है 33 जो कि 30 से 34 के वर्गांतर में आएगा, तो यहाँ पर ये आ गया 33। फिर है 7, 07 जो है आंकड़ा जो 5 से 9 के बीच में आएगा, वर्गांतर में आएगा, तो यहाँ पर उसे भी चिन्हांकित कर लिया मैंने। फिर है 24, 24 को मैंने वर्गांकित करना है 20 से 24 के वर्गांतर में, तो ये भी हो गया। फिर है 26, 26 जाएगा 25 से 29 के वर्गांतर में। 23 है आगे, उसे चिन्ह लगाया, उसका चिन्ह लगेगा 23 का जो है वो 20 से 24 के वर्गांतर में। अगली संख्या है 12, 12 आ जाती है 10 से 14 के वर्गांतर में। फिर है 22, तो 22 आ जाता है 20 से 24 के वर्गांतर में। लेकिन देखिए सभी छात्र ध्यान देंगे, यहाँ पर एक नियम को आप समझेंगे, चिन्ह लगाते समय जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं टैली, तो किसी भी वर्गांतर में अगर एक, यहाँ ध्यान देंगे 20 से 24 के वर्गांतर में आपको ध्यान देना है, एक दो तीन चार चिन्ह पहले ही लग चुके हैं। अब मुझे पांचवा चिन्ह दर्शाना है, तो मैंने क्या करना है, पांचवा चिन्ह जो जाएगा वो खड़ी रेखा की तरह नहीं जाएगा जैसे हम अभी तक दे रहे थे, हम उसे जो करेंगे वो तिरछी रेखा में उसे बंध लगाना है। एक दो तीन चार आवृत्ति को हमने सीधी में मार्क किया है, पांचवी आवृत्ति पांचवा चिन्ह देते समय जो है वो हम उसे तिरछा मार्क करेंगे ताकि वो पांच का एक बंध बन जाएगा जिसे आगे भी गणना करते समय हमें आसानी होगी। तो यहाँ पर ये 22 को देखिए मैंने लाल चिन्ह तो लगा दिया है, पर इसे यहाँ वर्गांतर में चिन्हांकित करते समय मैं जो है उसे तिरछी रेखा में वर्गांकित करूंगी, चिन्हांकित करूंगी। तो ये 22 का भी चिन्ह यहाँ लग गया। फिर आता है 25, 25 जो है वो आता है 25 और 29 के वर्गांतर में, इसका भी चिन्ह लग गया। फिर है 8, वो आ जाएगा 5 और 9 के बीच में। फिर आता है 10, 10 आ जाएगा 10 से 14 के वर्गांतर में। यहाँ 11 को निशान लगा दिया, 11 भी वहीं आ जाएगा 10 से 14 के बीच में। 21 आ जाएगा 20 से 24, अब 20 से 24 को हमने पांच का एक बंध बना दिया है, तो छठवी जो आवृत्ति है वो सामान्यतः वैसे ही एक सिंपल खड़ी रेखा के रूप में लगेगी। 14 अगली संख्या है, उसको मैंने चिन्हांकित करना है 10 से 14 में, तो क्योंकि चार चिन्ह पहले ही लग चुके हैं ये पांचवी जो आवृत्ति लगेगी चिन्हांकित होगी वो इस प्रकार से तिरछी लाइन में होगी। फिर है 17, 17 आ जाएगा 15 से 19 के बीच में। फिर है 19, वो आ जाएगा, वो भी यही आएगा 15 से 19 के बीच में। फिर है 2, 2 को मैंने चिन्हांकित करना है 0 से 4 के वर्गांतर में। फिर आता है 3, 3 को भी यही वर्ग चिन्हांकित करना है 0 से 4 में। और आखिरी जो प्राप्तांक है वो है 11, तो 11 को मैंने वर्गांकित करना है, चिन्हांकित करना है, माफ कीजिएगा, चिन्हांकित करना है 10 से 14 के बीच में। यहाँ पर पांच का बंद पहले बन चुका था, अब ये छठवीं आवृत्ति यहाँ चिन्हांकित हो गई। ठीक है, इस प्रकार से देखिए हमने उस नियम का पालन किया है कि पहले संख्या को मार्क लगाना है, फिर उसकी आवृत्ति दर्शानी है, ताकि हमसे कोई भी प्राप्तांक ना छूटे, ना ही कोई चिन्ह देने से छूट जाए। अब ये सारे चिन्ह लग गए, इसके बाद ये जो टेबल है इसका एक तीसरा कॉलम बनेगा जिसमें हर वर्गांतर में कितने चिन्ह लगे हैं, कितने टैलीज लगी हैं, जैसे कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ ये 5 हो गई टोटल और एक 6 हो गई, यहाँ 3 है, यहाँ भी 5 और एक 6 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। तो इस प्रकार की जो हमने चिन्ह लगाए हैं उसकी गिनती करके अगले कॉलम में आवृत्ति का जो कॉलम बनेगा उस कॉलम में मैंने उस संख्या को लिख देना है। ये मैंने क्या किया है, तो जो चिन्ह जितने चिन्ह लगे उस वर्गांतर की आवृत्ति के रूप में उसे मैंने लिख दिया है। जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 चिन्ह लगे तो 3 आवृत्ति हो गई। इसका तात्पर्य ये है कि उस एक विशेष वर्गांतर में जितनी भी संख्याएं समाहित होती है वो संख्याएं प्रदत्त में कितनी बार थी या कितनी संख्याएं थी, तो 4 संख्याएं थी। अब 5 से 9, 5 6 7 8 9 में से कितने संख्याएं हमारे प्रदत्त में थी, तो कोई भी 2 संख्याएं थी, इसे इसका तात्पर्य है। और ध्यान ये रखना है हमेशा कि हमारा सारणीकरण ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, इसको कैसे जांचेंगे,
हमेशा कोई नियम होता है ना कि गणित का उत्तर सही आया कि नहीं आया, इसकी जांच कैसे करेंगे? तो ये आवृत्ति जो है हर वर्गांतर की, इसे हमें अंत में उसका जोड़ निकालना है। ये जोड़ हमारा उतना ही आना चाहिए जितने हमारे कुल प्राप्तांक, मतलब हमारी एन की संख्या प्राप्तांक में जो दर्शाई गई थी वो है। तो इस प्रदत्त में हमारा जो एन था कुल प्राप्तांक की संख्या वो थी 26। अब इसका हम जोड़ करेंगे, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 6 हो जाता है 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26। तो हमारा एन जो है 26 वो सही बैठता है, मतलब आवृत्ति सारणीकरण जो हुआ है वो सही हुआ है। देखिए इस प्रकार से आवृत्ति सारणीकरण हमें करना है। विधि बहुत ही सरल है, सिर्फ कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है जिससे गलती ना हो। अब देखिए ध्यान रखने की चीजें कौन सी है, तो वर्गांतर बनाते समय हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि निचली संख्या से ऊपर की संख्या की तरफ हमें वर्गांतर बनाते जाने हैं। फिर प्रदत्त में जो सबसे छोटी संख्या है उस संख्या को जो है वो अनिवार्य रूप से, वो जो संख्या है वो पहले वर्गांतर में आनी ही चाहिए, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो अंतिम वर्गांतर में उसका समावेश होना ही चाहिए। इसके तरफ हमें जरूर ध्यान रखना है, इसका बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरी चीज आगे हम बता सकते हैं कि वर्गांतर बनाते समय हमेशा संख्याओं को लिखकर या उंगलियों पर गिनकर निश्चित करना है, नहीं तो गलती हो सकती है, हमने उसे देखा है। सामान्यतः 5 का वर्गांतर बनाना है तो हम 5 से 10, 50 से 55, 80 से 85 ऐसी गिनती करते हैं, किंतु 5 से शुरुआत करते हैं तो वर्गांतर जो है 5 से शुरू करते हैं तो 9 पर रुक जाता है, न कि 10 पर। इसको हमने देखा है उदाहरण। इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्राप्तांकों की आवृत्ति दर्ज कराते समय, मतलब चिन्हांकित करते समय, चिन्ह देने से पहले संख्या पर जरूर मार्क लगाना न भूले, अन्यथा गिनती में गड़बड़ हो सकती है। संख्याओं के चिन्ह लगाते समय 4 चिन्ह हम खड़ी रेखा की तरह लगाएंगे और 5वां चिन्ह लगाते समय हम तिरछी रेखा लगाएंगे। सभी वर्गांतरों की आवृत्तियों का जोड़ कुल प्राप्तांकों की संख्या जितना ही होगा, इसको भी हमें देखना है। अब देखिए छात्रों, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर कुछ आपको उदाहरण दिए हैं। आपके पास कागज पेन है तो आप जरूर इस उदाहरण को लिख लीजिए, और वीडियो खत्म होने के बाद या ट्यूटोरियल खत्म होने के तुरंत बाद आप इन प्राप्तांकों के आधार पर आवृत्ति वितरण, आवृत्ति सारणीकरण बना के देखें, ताकि आपने ट्यूटोरियल में जितने भी क्रम सीखे हैं वो जो क्रम है वो निश्चित रूप से आपको अभी ध्यान होंगे। तो तुरंत अगर आप प्रैक्टिस के लिए एक और गणित करके देखते हैं तो जो नियम है और जो क्रम है वो आपके ध्यान में रहेंगे और उसके विषय में आपकी स्मृति भी अच्छी बन जाएगी। तो इसके साथ ये एक उदाहरण है, इसे आप लिखिएगा। ट्यूटोरियल में मैंने आगे ये दूसरा भी उदाहरण दिया है, इसे भी आप जरूर नोट कीजिए और आवृत्ति वितरण सारणीकरण बनाकर देखिए। आपसे मेरा अनुरोध है कि ये जितने भी उदाहरण है उसे लिखकर सारणीकरण बनाने के बाद अगर आपको कोई भी शंका हो या कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखिए। सामान्यतः 1 या 2 दिन में मैं उसकी उस शंका का आशंका का उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगी। साथ ही ये जितने भी उदाहरण हैं उसके सही जवाब और जो भी हमने सारणीकरण का क्रम बनाया है उस क्रम को नोट्स की तरह भी मैंने लिखा हुआ है, जो कि एक PDF डॉक्यूमेंट में है, जिसे देखने के लिए भी आप नीचे दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए। और कुछ प्रश्न या शंका आपको पूछनी है या आपके कोई सुझाव होंगे कि आपको किसी और विषय में भी, सांख्यिकी के विषय में कोई और विषय में स्पष्टीकरण चाहिए है या किसी विषय में ट्यूटोरियल आप देखना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल है आवृत्ति सारणीकरण के बारे में, और मैं अपेक्षा करती हूँ कि इससे आपको जरूर लाभ हुआ होगा और सारणीकरण का जो प्रश्न आपको हल करना है उसमें आपको जरूर मदद मिलेगी आपके आगे की पढ़ाई के लिए। और इस प्रकार के अभ्यास के लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।